हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे सामने खड़ी है भाई मारुति सुजुकी की ब्रेजा। ये इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट है और आज बात करते हैं इसकी। तो कुकी कुछ इस तरीके की मिलेगी, लॉक अनलॉक और सुजुकी का लोगो मिलेगा। ऐसी की आपने पहले एस क्रॉस में देखी होगी, तो सेम उस तरीके की है। ये इसका मॉडल की बात करें तो VXI प्लस मॉडल है। इससे नीचे भी आते हैं LXI और VXI प्लस, इस तरीके से आते हैं। टॉप मॉडल की बात करने वाले क्या क्या फीचर्स हैं और आपको कंसीडर करनी चाहिए नहीं। इसके कंपटीशन की बात करें तो किया और क्रेटा दो मेन इसके कॉम्पिटिशन्स हैं। तो कैसे अराइवल करती है तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें हेडलाइट की, तो डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेंगी, दोनों ही LEDs हैं। ये इसके टर्न्स इंडिकेटर हैं, DRLs भी आपको इसमें ही मिलेंगे। नीचे आ जाएं तो नीचे आपको LED फॉग लैंप्स आएंगी और ये कुछ पियानो फिनिश में ग्रिल मिलेगी क्रोम में। और ये सुजुकी का लोगो है, स्किड प्लेट भी आएगी इसमें। नीचे टोइंग हुक्स आएंगे इसके इस जगह पर और सेम आपको इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर साइड में आ जाएँ तो साइड से कुछ इस तरीके की दिखती है। पूरी कार पर बॉडी क्लैडिंग आएंगी इस पर, जिससे आपके स्क्रैचेस वगैरह थोड़े बच जाएं और SUV लुक आए। और ये हैं इसके अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स की साइज़ की बात करें तो 215/60/16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। कैप अभी इसमें नहीं लगा हुआ, जब आप डिलीवरी लेंगे तब मिलेगा। और ये हैं इसके ORVMs, रिट्रैक्टेबल टाइप इंडिकेटर आपको इस पर मिलेंगे। और कोई भी क्रोम लोअर गार्निश नहीं आएगी इस पर। पीछे बात करें तो पीछे ड्रम ब्रेक्स आएंगे इसमें, डिस्क ब्रेक आपको खाली आगे मिलेंगे। मैं एक बार आपको चेकआउट करा देता हूँ इस तरीके से। टेंटेड ग्लास आएंगे इससे नीचे वेरिएंट में, टेंटेड ग्लास नहीं आएंगे। आपको थोड़ा बहुत ग्रीनिश दिख रहा हो तो वो टेंटेड ग्लास का वो है। और पीछे से आ जाएं तो पीछे से कुछ इस तरीके की दिखती है। फुल LED लाइट्स आएंगी, रिवर्स लाइट जो है, अभी अगर ग्लो देन हो रहा है तो भाई दिख भी नहीं रहोगे। और ये क्रोम में ब्रेजा की वेजिंग है, सुजुकी का लोगो, वाइपर और डिफॉगर दोनों आता है टॉप मॉडल में। और ये है हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी आएगा इंटीग्रेटेड टाइप। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको चार मिलेंगे। और ये है इसके रिफ्लेक्टर्स। स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में मिलेंगी। नीचे आएगा मेन एग्जॉस्ट, टोइंग हुक नीचे आएगा। कैमरे की बात करें तो कैमरा आपको यहाँ पर मिलेगा, लोअर वेरियंट्स में कैमरा नहीं मिलेगा आपको। और ये है पेट्रोल का कैप, 45 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा इसके अंदर। इसके ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस आएगा। और पीछे से कुछ इस तरीके की है ये। और ये है रूफ रेल्स इसके। एंटीना की बात करें तो इस तरीके का एंटीना मिलेगा वायर्ड में। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आएगा, डुअल टोन डोर ट्रेम है ब्लैक विद सिल्वर के साथ इंसर्ट, क्रोम में डोर हैंडल है, लॉक अनलॉक करने के लिए पावर विंडो का स्विच, बोतल होल्डर, स्पीकर। इसका प्लेट नहीं आएगी इसमें, कुछ इस तरीके से दिखता है इंटीरियर। अंदर आते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा डैशबोर्ड, ब्लैक डैशबोर्ड है। कंपार्टमेंट मिलेगा स्टोरेज, कूल्ड ग्लो बॉक्स के साथ। नीचे बात करें तो नीचे कुछ इस तरीके का ग्लो बॉक्स है। SRS एयरबैग की बैजिंग, पियानो फिनिश में एयर वेंट्स, हैज़ार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो आता है वायर्ड के साथ। नीचे आ जाए तो ऑटोमेटिक AC आएगा, USB और ऑक्स का पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, स्टोरेज स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आएगा EMT के साथ। ये है इसका हैंड ब्रेक मैनुअल, आर्मरेस्ट कुछ इतना स्पेस आएगा आर्मरेस्ट में, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है, ऑटोमेटिक IRVM आएगा, मिरर मिलेगा लाइट के साथ, सनग्लास होल्डर, माइक के पोर्ट्स। आप चलते हैं पीछे एक बार। ये है फैब्रिक सीट्स हैं इसकी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आएंगे, लेदर का ऑप्शन नहीं आता इसमें किसी भी वेरिएंट्स में। रियर डोर कुछ इस तरीके से है, सेम आपको डुअल टोन डोर ट्रिम आएगी, लॉक अनलॉक करने के लिए लीवर, पावर विंडो का स्विच,
एक बोतल होल्डर आएगा, एक स्पीकर यहाँ पे मिलेगा, टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का सिस्टम आता है इसमें, म्यूजिक सिस्टम। और ये सीट्स इसकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आएंगे रियर सीट्स में, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग आएंगी। पीछे स्पेस चेकआउट करते हैं इसमें एक बार, तो ऑलमोस्ट ये पीछे है पूरी, तो स्पेस कुछ इतना मिलेगा इसके अंदर। सीट्स के पीछे पॉकेट्स आएंगी दोनों साइड, एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे। हम्प की बात करें तो हम्प बहुत ज़्यादा है, आपको दिख रहा हो तो कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, इतना हम्प है। तो मिडल पैसेंजर थोड़ा छोटा ही होगा तो ही आ पाएगा इसमें, और एक बीच में लाइट आएगी, सॉफ्ट क्लोजर के साथ डोर हैंडल्स आएंगे, कोट हुक भी है इस पर, और यहाँ पे हैं डोर हैंडल्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट सीट्स फंक्शन आएगा इस पीछे। एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, यहाँ पे इसका बटन है, इसको तो मैं चेकआउट कराता हूँ अभी पॉलीथीन की वजह से। आपको इसको ऐसे प्रेस कीजिए, सीट्स आगे आ जाएगी तो कुछ इतना स्पेस बन जाएगा। एक बार पूरा मैं आपको फ्लैट करके दिखाता हूँ, अब चलते हैं पीछे एक बार बूट स्पेस की तरफ। एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स भी आएंगी, सी पिलर पे ग्लास आएगा। बूट को खोलने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट बटन प्रेस करना पड़ेगा जो कि इस जगह है, और इतना बूट स्पेस मिलेगा, और हाइट लगभग यहाँ तक चली जाती है। इसका लीटर्स में स्पेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, ये है लगेज लैंप, नीचे स्पेयर टायर मिलेगा। इसकी साइज़ की बात करें 215/60-16 इंचेस का टायर है, सेम टायर बस स्टील व्हील मिलेगा, अलॉय नहीं है। और यहाँ पे एक हुक मिलेगा, पार्सल ट्रे, इस पार्सल ट्रे को आप डिटैच भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, और ये दोनों तरफ से फोल्ड हो जाती है, अंदर से भी एक्सेस की जा सकती है क्योंकि ये, और ये हैंडल मिलेगा इसका। अब कर देते क्लोज इसको, अब चलते हैं ड्राइवर साइड एरिया में। सो ड्राइवर डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, सेम ट्रिम में, चारों पावर विंडो के स्विच, ऑटोमेटिक अप एंड ऑटोमेटिक डाउन खाली आप ड्राइवर साइड मिलेगा, और ये लॉकर लॉक करने के लिए लीवर, चाइल्ड सेफ्टी का बटन, और ये मैनुअल एडजस्टमेंट सीट्स, हाइट एडजस्टेबल और रिक्लाइन एंगल चेंज करने के लिए। इसका प्लेट नहीं मिलेगी। ये हैं कुछ इसके, ये हैं इसके ORVMs के कंट्रोलर्स, लेफ्ट राइट करने के लिए पुश स्टार्ट यहाँ पे मिलेगा, बोतल होल्डर यहाँ पे मिलेगा। सो कर देते क्लोज, आगे बढ़ने से पहले कार को कर लेते स्टार्ट एक बार। यह है स्टेयरिंग व्हील 3 स्पोक के साथ, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आएगा, लोअर वेरिएंट्स में नॉर्मल आएगा। ये इसके ऑडियो कंट्रोलर्स, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये हेडलाइट के कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आता है इस वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट्स में नॉर्मल आएगा। ये वाइपर्स के कंट्रोलर्स, इस तरीके से दिखती है इसकी MID, एनालॉग ओडोमीटर मिलेगा, एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा, 8 तक मार्किंग है क्योंकि ये पेट्रोल वेरिएंट है, खाली पेट्रोल का ऑप्शन आएगा, डीजल वेरिएंट इसमें अवेलेबल नहीं है इस टाइम तक। सुजुकी को कोशिश करनी चाहिए लॉन्च करने के लिए। और ये बीच में मिलेगी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि आपको दिखाती है एवरेज, टोटल किलोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल इंडिकेटर, कूलेंट टेम्परेचर, रेंज, किलोमीटर पर लीटर। अंदर देखते हैं टॉगल करके इसके, कलर भी चेंज हो जाते हैं इसके, अभी नीला दिख रहा होगा आपको, रेड, वायलेट, MID के कलर भी चेंज हो जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट, खाली टिल्ट फंक्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें। अंदर यही था, डेड पेडल आपको नीचे मिलेगा। अब चलते हैं एक बार इंजन भी देख लेते हैं इसका। सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग और आइसोफिल सीट साइड माउंटिंग मिलेंगी आपको पीछे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं, ABS CVT स्टैंडर्ड आएगा इसमें। एक बार देख लेते हैं इसका इंजन,
तो ये इसका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 108 bhp की पावर मिलेगी, 120 nm का टॉर्क मिलेगा और 17 का एवरेज मिलेगा 45 लीटर के पेट्रोल टैंक से। ये इसके ABS की मोटर, इंसुलेशन भी कर रखी है और साउंड कुछ इस तरीके की है इसकी। सो कैसी लगी कार कमेंट में ज़रूर बता देना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए।